फंक्शन और एल्गोरिथम, ये लगभग है ना दोनों के लिए भी आंसर लिख सकते हैं आप। एल्गोरिथम लिखने के लिए बोलो या फंक्शन लिखने के बोलो, एक लिंक्ड स्टैक है तो उसके पूरे एलिमेंट को डिस्प्ले करना है, उसके लिए एल्गोरिथम के लिए पूछे वो फंक्शन के लिए पूछे, ये लिख सकते हैं। ठीक है, स्टैक को दो तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एक यूजिंग अरे, एक यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। यहाँ जो दिख रहा है आपको ये स्टैक है यूजिंग लिंक्ड लिस्ट, इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है, इसका पिक्चर ऐसा रहता है, इसमें तीन नोड्स दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट नोड का एड्रेस ये पॉइंटर में है, तो इसके पूरे सारे एलिमेंट जो 30 है, 40 है और ये और एक 20 है, उसको डिस्प्ले करना है एलिमेंट्स को उसके अंदर के, वो कैसा डिस्प्ले करते हैं। ये फंक्शन का नाम डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले करने के पहले अंडरफ्लो कंडीशन चेक किया जाता है, टॉप इज इक्वल टू नल, टॉप में नल रहता था कि हाँ एक भी नोड नहीं रहता तो, है एक भी नोड नहीं रहता तो टॉप में क्या रहता था, नल रहता था। तो अभी तो नल नहीं है ना, नल रहता तो स्टैक इज एम्प्टी बोल के रिटर्न, फंक्शन को टर्मिनेट कर देते थे हम लोग रिटर्न का, तो यहाँ इसी चल जाता था वो। तो अभी क्या है, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा इसलिए कि उसके अंदर एलिमेंट है, तो सीधा यहाँ पे आएगा। एक टेम्प नाम का एक पॉइंटर ले लीजिए, वो पॉइंटर का टाइप हो नोड, क्योंकि ये जो भी नोड्स जो है ये क्लास से बने हुए हैं, इसके उनके एड्रेस वही पॉइंटर स्टोर करता है, उस क्लास का ही पॉइंटर लेना। ये नाम का क्लास, ये क्लास, ये नाम का एक क्लास ऑलरेडी डिफाइंड रहता है, तो उसका हमें ये उसके ऑब्जेक्ट ही है, ये सभी उसी बने हुए ऑब्जेक्ट्स है, उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स है, इसके उनके एड्रेस स्टोर करना है, तो वही टाइप का एक पॉइंटर ले लेना है। तो टॉप, टॉप में क्या रहता है, फर्स्ट नोड का एड्रेस रखते हैं, इसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस रहता है, वो चीज़ हम टेम में ले लिए, देखिए टेम में अभी हमें ले लिया 10,000, तो इसका मतलब क्या है, ये ठीक है ऐसा आरो बता सकते हैं हम लोग, इसका मतलब यह है ये टेम में अभी इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, ये एड्रेस इसे ये एड्रेस लाइन है ये, तो अभी टेम इसे रेफर कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, क्योंकि 1000 उसके अंदर है। तो अब कंडीशन क्या है, स्टैक एलिमेंट्स बोल के एक हेडिंग हम प्रिंट कर ले रहे हैं, तो उसके बाद टेम में देखो नल है क्या, नल नहीं है 1000 है, जब तक नल नहीं होगा जब तक ये ट्रू होगा, टेम की वैल्यू नल नहीं है इसलिए वो ट्रू हुआ, तो फिर अंदर गया। टेम्प डेटा, टेम्प डेटा माने क्या है, टेम्प का तो क्या है 1000 है, उसका डेटा 1000 जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है उसका फील्ड डेटा फील्ड के अंदर जो वैल्यू वो प्रिंट होगा। कभी भी ये ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस है, कोई ऑब्जेक्ट का एड्रेस हमारे पास आता है वो एड्रेस यूज करके उसके मेंबर को हम एक्सेस करना है, यह ऑपरेटर इनडायरेक्ट मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करते हैं। 1000 आरो डेटा माने कि हमको 30 प्रिंट होगा, देखिए 30, उसके बाद टेम्प में 1000 जाएगा टेम्प का नेक्स्ट, क्योंकि टेम्प में 1000 है ना, टेम्प एरो नेक्स्ट माने ये फील्ड, ये 2000 अभी टेम्प में आ जा रहा है, 2000 टेम्प में आने का मतलब क्या है, तो ये लाइन आपको हो जाएगी। अब ये रेफर ऐसा करेगा, रेफर ये एड्रेस आपको कहां से मिला है, आपके टेम्प में पहले 1000 कहां से आया था, इसमें था वो ले लिया था, अब 2000 कहां आया, 1000 आपको मिलने के बाद वो 1000 के नेक्स्ट में ही था, वो 1000 के नेक्स्ट में जो था 2000 जो वो ले लिया वो इसका एड्रेस था, इसलिए वो अभी लाइन इधर रेफर हो रही है। तो फिर जाके कंडीशन यहां देखता है, टेम में नल नहीं है, टेम में 2000 है नल तो नहीं है, फिर अंदर आएगा, 2000 का डेटा भी प्रिंट होगा, वो 40 था, वो आप देखिए टेम में 2000 था वो चल जाएगा, उसके 2000 के नेक्स्ट में जो है वो चीज अभी टेम में आ रही है, तो माने कि इसमें 3000 आ जा रहा है, 2000 के नेक्स्ट में जो वैल्यू है वही 3000 इसमें आ जा रही है। अब तो लाइन ऐसा आप बता देगा, आपको आपको ऐसा बता देगा लाइन, तो उसका डेटा भी प्रिंट हो जाए, उसका डेटा प्रिंट होने के बाद उसके नेक्स्ट में जो है 3000 एरो नेक्स्ट मतलब 3000 जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है उस ऑब्जेक्ट का नेक्स्ट फील्ड जो है उसका अंदर जो वैल्यू था क्या है उसके अंदर नल, क्योंकि उसके नेक्स्ट नोड नहीं था इसलिए नल था, वो नल को हम टेम में आ गया। अब टेम को नल आ गया मतलब क्या है, टेम में नल आ गया मतलब अब वो किसी को रेफर नहीं कर रहा है, ये किसी को रेफर नहीं, कैपिटल में लिखना है नल, अब ये किसी को रेफर नहीं हो रहा है। और टेम में नल आ जाने के बाद क्या है, यहाँ फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि टेम नॉट इक्वल टू नल मतलब टेम में जब तक नल नहीं है तब तक ये ट्रू होगा, अब ये फॉल्स हो गया, जब तक तो एलिमेंट तो पूरे आ गया। हम लोग को एक पॉइंटर वेरिएबल लेना, पहले वो पॉइंटर का टाइप नोड होना तभी वो नोड का एड्रेस स्टोर कर सकता है, ये जो नोड नाम का ऑलरेडी क्लास डिफाइंड है ये उसी से बने सो ऑब्जेक्ट्स है उनके एड्रेस स्टोर करना है, तो ये पॉइंटर का टाइप भी नोड होना चाहिए। हमको क्या है नोड क्लास के बारे में सो अभी नहीं बताना है, हमको सिर्फ ये फंक्शन एक ही फंक्शन डिस्प्ले करना है एलिमेंट्स बस। तो टॉप में फर्स्ट नोड का एड्रेस आता है, वो पूरा प्रोग्राम जब एक ही में आएगा तब वो समझ में आएगा कि टॉप में फर्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ से आया, ये नोड कैसा बने, ये नोड कैसा लिंक हुए हैं, सो भी तुम्हारे को अपन पूरा प्रोग्राम एक में देखे तो तब समझ में आता है। ये सिर्फ फंक्शन है, खाली डिस्प्ले करना है स्टैक के एलिमेंट्स को। थैंक यू।